Assalamu alaikum students, I hope you will be fine. Welcome to online classes of Knowledge City Islamic School. Today in grade 4, we study the book of science. So grade 4 students, open your science books and come with me on page number 19. Here we have unit 3, animals. In this unit, we will study about factors that are necessary for animals to survive, read about characteristics of animals, and read about complete and incomplete metamorphosis. Also learn about life cycle of the frog and the grasshopper. Students, let's start our today's lesson. Our Earth is a planet of living and non-living things, means जानदार और बेजान चीज़ों का एक सियारा है. Living things are of two types, animals and plants. जानदारों की दो इकसाम हैं, जानवर और पौधे. But what is the difference between living things and non-living things? लेकिन क्या फ़र्क है जानदार चीज़ों और बेजान चीज़ों में? Living things can grow, eat, move and reproduce, but non-living things cannot. जानदार चीज़ें बढ़ती हैं, खाती हैं, हरकत करती हैं, वो रिप्रोड्यूस भी करती हैं अपनी अगली जनरेशन को, लेकिन जबकि जो बेजान चीज़ें हैं वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर, एयर, लाइट एंड शेल्टर. तमाम जानदार जो हैं उनको पानी, हवा, खुराक, रोशनी और रहने के लिए एक महफूज जगह की ज़रूरत होती है. दीज आर द मेजर फैक्टर विदाउट विच लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव. बुनियादी अवामिल हैं जिनके बगैर जानदार चीज़ें जिंदा नहीं रह सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती. लेट्स हैव अ लुक एट दीज फैक्टर्स. सनलाइट, वाटर, एयर, फूड. इज फूड. एनिमल नीड फूड विच गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़. खुराक. जानवरों को खुराक की ज़रूरत होती है जो कि इन्हें एनर्जी देती हैं, जिसकी मदद से वो अपने मरा की सरगर्मियों को अंजाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, एन ईगल नीड्स एनर्जी टू फ्लाई, आ टाइगर नीड्स एनर्जी टू रन फास्ट ईटीसी. जैसे कि एक अकाब एनर्जी चाहिए होती है उड़ने के लिए, इसी तरह एक टाइगर जो है उसको भी एनर्जी चाहिए ताकि वो तेज़ भाग सके. वाटर, इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ. पानी जो है बहुत ही कीमती नेमत है अल्लाह ताला की ज़मीन पर. विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. पानी के बगैर ज़मीन पर कोई भी ज़िंदगी नहीं हो सकती थी. बट वाई इज़ इट सो, लेकिन ऐसा क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेनली मेड अप ऑफ वाटर. ऐसा इसलिए है क्योंकि तमाम जानदार चीज़ें जो हैं वो पानी से ही बनी हैं ज़्यादातर. इफ़ यू टॉक अबाउट अवरसेल्फ, अगर हम अपने बारे में बात करें, अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ वाटर. हमारा 70% जो हमारा है वो पानी पर मुश्तमिल है. सो इफ वाटर इज़ लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, तो अगर पानी हमारी बॉडी से चला जाता है, इट नीड्स टू रिप्लेनिश. वाटर इज़ नीडेड फॉर सेवरल अदर रीजंस. इसे दोबारा भरने की ज़रूरत होगी. इसके अलावा भी पानी जो है बहुत से दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होता है. इट हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. ये बॉडी को दुरुस्त दर्जा हरारत पर रखने में हमारी मदद करता है. इट लुब्रिकेट्स अवर बॉडी जॉइंट्स. हमारे जोड़ों को हमवार रखता है, इन्हें खुश्क नहीं होने देता. एयर. एयर इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव. तमाम जानदारों के जिंदा रहने के लिए हवा एक ज़रूरी आंसर है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. जो है वो गैसेज का मिक्सचर है. इट कंटेन्स ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज. इसमें ऑक्सीजन और दूसरी गैसें मौजूद होती हैं. ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन टू द एयर. दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को हवा में उड़ देते हैं. लैंड एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड इन रिटर्न दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज बाई प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल. ज़मीनी जानवर हवा से ऑक्सीजन को लेते हैं और रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं, जो कि पौधों की बका के लिए ज़रूरी होती है. डी, लाइट. लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स. जानवरों के लिए एनर्जी का जरिया लाइट है. प्लांट्स नीड लाइट टू प्रिपेयर फूड एंड प्रोवाइड दिस फूड फॉर मैनी एनिमल्स. पौधों को अपना खुराक तैयार करने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है, फिर वो ये फूड जो है वो बहुत सारे जानवरों को प्रोवाइड करते हैं. शेल्टर. शेल्टर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट सेव्स एनिमल्स फ्राम एडवर्स वेदर एंड इट प्रोटेक्ट्स देम फ्राम प्रेडेटर्स. शेल्टर जाए पना रहने की एक महफूज जगह. शेल्टर जो है ये जानवरों के लिए बहुत अहम है क्योंकि ये जानवरों को मनफी मौसम से बचाता है और ये जानवरों को शिकारियों से महफूज रखता है. इट कैन बी एनी थिंग फ्राम अ ट्री कैविटी टू टॉल ग्रास. कुछ भी हो सकता है ट्री कैविटी से लेकर ट्री टॉल ग्रास तक. द वर्ल्ड इज़ अ प्लेस विद डाइवर्स एनिमल्स डैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स फ्राम द स्काइज टू द डीपेस्ट ओशन टू लैंड इन बिटवीन. स्टूडेंट्स, वट इज़ हैबिटेट? हैबिटेट इज़ अ प्लेस विच प्रोवाइड बेसिक नीड्स फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन. जगह जो पौधों को, जानवरों को और इंसानों को उनकी बेसिक नीड प्रोवाइड करे वो हैबिटेट होती है उनकी. तो ये दुनिया जो है ये ऐसी जगह है जहाँ पर किस्म किस्म के जानवर रहते हैं, जो कि मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहते हैं, जो कि आसमान से लेकर गहरे समंदर तक फैले हुए हैं. दीज एनिमल्स लुक डिफरेंट फ्राम ईच अदर.
पार्टनर एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, दे हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प देम टू मीट देयर नीड्स। मुख्तलिफ खसूसियात भी होती हैं जो उनको उनकी जरूरत से मिलने में मदद देती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों की खसूसियात। लिविंग थिंग्स हैव सम एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प टू मीट देयर नीड्स। जानवरों की कुछ खसूसियात होती हैं जो उनको उनकी जरूरत मुकम्मल करने में मदद देती हैं। फर्स्ट वन इज मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ए इज मूवमेंट। हैव यू एवर सीन अ चेयर और कार मूव बाई इटसेल्फ? क्या आपने कभी कोई चेयर या कार देखी है जो खुद से ही हरकत कर रही हो? नो, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड ओनली लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन। नहीं, क्योंकि ये चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बेजान चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ जानदार चीज़ें ही हरकत कर सकती हैं, ऑन देयर ओन खुद से हरकत कर सकती हैं। मूविंग अराउंड इज एसेंशियल टू मैनी एनिमल्स फॉर फाइंडिंग फूड, वाटर एंड शेल्टर। बस घूम पाना है जानवरों के लिए एक एसेंशियल नीड है, ताकि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें, अपने लिए खुराक, पानी और शेल्टर को ढूंढ सकें। इट आल्सो हेल्प्स देम टू एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स। की नकल हरकत उन्हें शिकारियों से बचने में भी मददगार देती है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। मुख्तलिफ जानवर जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की हरकत करते हैं, ये उनकी बॉडी स्ट्रक्चर और उनके हैबिटेट पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, फिश स्विम, फ्रॉग्स एंड कैंगरोज हॉप ईटीसी। मिसाल के तौर पर मछलियाँ तैरती हैं और मेंढक और कैंगरू जो है वो उछलते और कूदते हैं वगैरह। विच बॉडी पार्ट डू वी यूज टू वॉक? फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि हम अपना कौन सा बॉडी पार्ट वॉक करने के लिए यूज़ करते हैं? वी यूज़ अवर फुट फॉर वॉक्स। बी, ग्रोथ। ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। एज लिविंग थिंग ग्रोथ देयर साइज चेंज। ग्रोथ करना, बढ़ना, इन से तमाम जानदारों के लिए जैसे लिविंग थिंग्स बढ़ती हैं उनके साइज भी तब्दील होते रहते हैं। ठीक है, हमारे पास किटन मौजूद है, ये बड़ी होकर कैट है। ह्यूमंस फर्स्ट वी बेबीज एंड देन वी बिकम एडल्ट बॉय गर्ल। स्टूडेंट्स, टुडे वी एंड अवर लेसन हियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट दिस लेसन। नाउ स्टूडेंट्स, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।